भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग से 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी हो चुका है। विज्ञप्ति में आपको हम बता दें कि सभी तरह के त्योहारों की सूची है, सार्वजनिक अवकाशों की सूची है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे अवकाश आपको 2023 में मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं वर्ष 2023 के सार्वजनिक अवकाश की सूची। अब ऊपर देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित सूची में निर्दिष्ट पर्व, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों की जन्मतिथियां, इनको समस्त उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महोदय सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं। भारत सरकार की विज्ञप्ति दे दी गई है 8 जून 1957 की, जिसके द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक अवकाश यथा निर्दिष्ट लोक अवकाश माने जाएंगे। आइए देखते हैं यदि कोई पर्व, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व, महापुरुष की जन्मतिथि एक साथ एक तिथि दिवस को घटित होते हैं तो ऐसी दशा में पृथक दिवस में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। दो वर्ष 2023 अर्थात यहां पर यह सब दे दिया गया। तो आइए देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2023, हमेशा से आपको पता है वो तो डेट फिक्स ही है, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस 5 फरवरी 2023 को होगा, महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023, होलिका दहन 7 मार्च 2023 और जो होली वो 8 मार्च 2023, रामनवमी 30 मार्च 2023 और महावीर जयंती 4 अप्रैल 2023 कहना छोड़ देंगे, क्योंकि 2023 के ही सब सारी चीजें आप देख रहे हैं तो हम सीधा महीना और डेट बताएंगे। गुड फ्राइडे 7 अप्रैल को और आगे ले चलते और आपको बताते, देखो जो डे पड़ेंगे वो सामने यहां पर दिए हुए हैं और आगे आपको दिखाना चाहेंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस जो है वो 14 अप्रैल, ईद उल फितर 22 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई और ईद उल जुहा जिसको बकरीद कहते हैं 29 जून, मुहर्रम 29 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, रक्षाबंधन 31 अगस्त, जन्माष्टमी 7 सितंबर, ईद ए मिलाद जिसको 12 वफात कहते हैं 28 सितंबर, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर, दशहरा यानी महानवमी 23 अक्टूबर, ऐसे ही दशहरा यानी विजयदशमी 24 अक्टूबर, दीपावली 12 नवंबर, गोवर्धन पूजा 13 नवंबर, भैया दूज यानी कि आपका चित्रगुप्त जयंती 15 नवंबर, ऐसे ही आपका गुरु नानक जयंती जो कि 27 नवंबर, ऐसे ही फिर आपका जिसको कार्तिक पूर्णिमा भी 27 नवंबर, क्रिसमस डे 25 दिसंबर और आगे दिखाते हैं आपको और क्या है। तो अगला यहां पर जो पेज है उसमें देखिएगा, फिर उसके बाद 2023, अब इसमें देखो वर्ष 2023 के निर्बंधित अवकाश अभी जो आपने देखे हैं वो कौन से थे वो आपके अभी यहां पर हम दिखाना चाहेंगे, ये सब अवकाश आपके जो सार्वजनिक अवकाश हैं 2023 के जो सबके लिए हैं। और ठीक, अब आपको ये स्थानीय दर्शन के अनुसार सभी जो मनाए जाएंगे जो भी त्यौहार व्यवहार हैं पर्व वो सब, अब हम आपको जो दिखा रहे हैं वो निर्बंधित अवकाश हैं। तो निर्बंधित अवकाश देखिएगा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नववर्ष दिवस 1 जनवरी को वो आपका, मकर संक्रांति 15 जनवरी को, ये सब निर्बंधित अवकाश हम आपको बता रहे हैं। जननायक जो है कर्पूररी ठाकुर जन्म दिवस 24 जनवरी, बसंत पंचमी 26 जनवरी, हजरत ख्वाजा मुनिद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज और ये आपका 29 जनवरी, संत रविदास जयंती 5 फरवरी, शबे बारात 8 मार्च, होली 9 मार्च और यहाँ पर चेटी चंद जो कि 22 मार्च, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज जो है वे 5 अप्रैल, ऐसे ईस्टर जो है सैटरडे वो आपका 8 अप्रैल, ऐसे ईस्टर मंडे जो कि 10 अप्रैल, चंद्रशेखर जयंती 17 अप्रैल, जमात उल विदा जो अलविदा रमजान ऐसे करके अंतिम शुक्रवार वो आपका 21 अप्रैल और आपको ले चलते आगे, ऐसे ही आपका परशुराम जयंती जो कि आपका 22 अप्रैल, ईद उल फितर 23 अप्रैल, लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती 9 मई और बकरीद 30 जून, मुहर्रम 30 जुलाई, चेहल्लुम 6 सितंबर, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर, महाराजा अग्रसेन जयंती 15 अक्टूबर, दशहरा अष्टमी वो आपका 22 अक्टूबर, महर्षि वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और आपका आचार्य नरेंद्र देव जयंती वो 31 अक्टूबर, नरक चतुर्दशी 11 नवंबर, वीरांगना और जो है उदा देवी लिखा गया शहीद दिवस जो कि 16 नवंबर, छठ पूजा पर्व 19 नवंबर, चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर, ऐसे क्रिसमस जो है वो है आपका 24 दिसंबर, इस तरह से आपके ये वाले हो गए। अब देखो अब हैं आपके उपर्युक्त के अतिरिक्त, जैसे कि बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी की जो तिथियां हैं वो देख लो, वाणिज्यिक बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी जो कि यहां पर 1 अप्रैल 2023 ये यहां पर, ठीक आगे केवल बैंक कोषागार कोषागारों के लिए ये चीजें हैं, कार्यकारी आदेशों के अंतर्गत अवकाशों की सूची, जो कार्यकारी आदेश हैं उनमें गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 जनवरी, आपका गुरु तेज बहादुर शहीद दिवस 24 नवंबर, ठीक अब नीचे यही सब चीजें लिख दी गई हैं जो भी है,
जैसा कि जिला जो है जिला अधिकारी अपने स्तर से भी 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकते हैं। तो जिला अधिकारी यानी डीएम के पास ये पावर होता है, तो ये भी अपना 3 अवकाश घोषित कर सकते हैं स्वयं से भी, जो वहाँ के स्थानीय अवकाश मनाए जाते हों। अलग अलग जगह अलग अलग कुछ ना कुछ पर्व मनाए जाते हैं जो हर जगह नहीं होते, तो उनके लिए भी 3 तरह के मिल जाते हैं। अब फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिसको राम तिलक मौर्य जी हैं जनपद अयोध्या से जिनके द्वारा भेजा गया था। अगली जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि 16 जिलों में बच्चों को नहीं लग पा रहे हैं नियमित टीके, इसके बारे में भी एक जानकारी सामने आई है। यहां पर देखिएगा, प्रदेश में 16 जिले ऐसे हैं जहां बच्चों के नियमित टीकाकरण का काम पिछड़ा हुआ है। इन जिलों के तमाम ब्लॉकों में टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो 70% तक भी नहीं पहुंचा है। पिछड़ने वाले जिलों में सबसे खराब स्थिति किसकी है? आगरा की है, फिरोजाबाद की है। यह खुलासा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है प्रदेश भर में कराई गई नियमित टीकाकरण की जांच में हुआ है, और ऐसे सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को लखनऊ तलब किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात शिशु से लेकर के 1.5 साल तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण कराया जाता है, और इस संबंध में ANM की मिशन निदेशक अपर्णा और जो है उनके संपर्क करने पर जो है वहां पर प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से संपर्क उनसे नहीं हो सका। तो यहां कम टीके हैं, आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बहराइच, बलिया, बुलंदशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, हाथरस, कुशीनगर, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, तो इतने जिले हैं जहां की स्थितियां बहुत खराब है। तो यह भी एक मैटर सामने आया है। आगे आपको बताना चाहेंगे, एक ये भी मैटर है, बाल विकास पुष्टाहार मंत्री ने वीडियो कॉल से कार्यक्रम को संबोधित किया। बच्चों को कुपोषण से बचाने को गोष्ठी कराई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते यहां पर CDPO। यह मैटर है आपका गुरसहायगंज का, ग्राम पंचायत रायपुर जो है आलमपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गोष्ठी हुई, जिसमें CDPO ने कुपोषण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर को कुपोषण के प्रति सजग रह करके बच्चों के वजन प्रतिमा करने और टीकाकरण पर ध्यान देने को कहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कार्यों को संपादित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कुपोषण समाप्त करने के लिए ग्रामीणों को भी सहयोग करने की जरूरत है। CDPO पूजा सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती कराने और लगातार निगरानी रखने और टीकाकरण में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा है। कार्यक्रम में बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने वीडियो कॉल के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को संबोधित किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सही तरीके से करने और बच्चों की निगरानी सही तरीके से करने को कहा है। तो देखो, आंगनबाड़ी बहनों के लिए सही काम करने के तो हर कोई कहता है, लेकिन मंत्री नेता लोग जो अपने स्तर से कर रहे, विभागीय जो अधिकारी कर रहे हैं, उसमें भी बदलाव के लिए कोई प्रयास नहीं करता। जरूरत है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिड डे मील की, बच्चों के खाने पीने की, जो पढ़ने आते हैं 3 से 6 वाले बच्चों को ड्रेस की जरूरत है, सर्दियां आ गई हैं, स्वेटर की जरूरत है, इन चीजों का इंतजाम आखिर बाल विकास विभाग क्यों नहीं कराता? जब शिक्षा विभाग कराता है तो ये क्यों नहीं कराते? बच्चे ये भी हैं, वो भी हैं, उल्टे और नन्हे मुन्ने हैं, छोटे हैं, तो इनकी तो केयर और करनी चाहिए, फिर भी यहां पर अनदेखियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में विभागीय अधिकारी और सरकार दोनों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे आप लोगों को ले चलते हैं। साथी दोस्तों, आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने एक यहां पर क्या किया है, ट्वीट किया है, आग से अगर मौत हुई तो बिल्डिंग मालिक देगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को मंजूरी दी गई है। केंद्र के मॉडल बिल को उत्तर प्रदेश में किया समाहित। इस तरीके से यहां पर एक ये आर्टिकल यूपी सरकार ने अभी अभी शेयर किया है, आग से मौत हुई तो बिल्डिंग मालिक देगा मुआवजा। तो अगर कोई किराएदार रखता है तो उसको इन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपके यहां बिल्डिंग में डेथ हुई, आग लगी किसी कारण से, तो फिर मुआवजा आपको भरना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश 2022 को मिली मंजूरी, केंद्र के मॉडल बिल को यूपी ने किया समाहित। इस तरीके से कि बहुत भारी भरकम आर्टिकल यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया। प्रदेश के बड़े शहरों से गांव तक पर्यटन विकास पर नजर होगी, ऐसे भी आर्टिकल साथ ही साथ प्रकाशित किए गए हैं। और सूर्य मित्र सोलर के साथ देंगे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा, तो यहां पर इसके लिए भी आर्टिकल छपे हैं। तो आइए देखते हैं और अगली जानकारी पर चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और हाल ही का ट्वीट आपको दिखाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यूपी में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। IT एवं ITS क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश और 1 लाख को मिलेगा रोजगार।
आइए देखते हैं यूपी सरकार का एक ये आर्टिकल जो उन्होंने ट्वीट किया, amarujala.com में ये प्रकाशित हुआ, जिसमें आप देख रहे हैं लिखा है, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। आइए हम आपको उस डायरेक्ट दिखाते हैं। लिखा है, यूपी में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को एक रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। साथ ही जो मेन है वो देखो, वो ये है कि निजी क्षेत्र में जो सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। तो इस तरह से यहां पर इसी के साथ एक और बात को यूपी सरकार ने कहा है। अब आगे आप लोगों को बताना चाहेंगे, आज के इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखेंगे। जल्दी आप सबको अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज